हेलो एवरीवन, आज हम मीडियन नर्व की क्लिनिकल एनाटॉमी पढ़ेंगे कि मीडियन नर्व की कोई भी इंजरी के साथ क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो नंबर वन, एनी डिफिकल्टी आर इवन इनएबिलिटी टर्न द हैंड ओवर आर फ्लेक द रिस्ट डाउन, टिंगलिंग आर नर्वनेस इन द फोरआर्म थंब एंड थ्री एडजेसेंट फिंगर्स, वीकनेस विद ग्रिपिंग एंड इनएबिलिटी टू मूव द थंब अक्रॉस द पाम। So then the median nerve controls the coarse movements of the hand as it supplies the most of the long muscles of the front of the arm. It is therefore called as labrous nerve. तो कौन से नर्व को हम लेबरस नर्व कहते हैं? हम मीडियन नर्व को लेबरस नर्व कहते हैं। किस चीज की वजह से कहते हैं? क्योंकि जो हमारे लॉन्ग मसल्स हैं उनकी जो सप्लाई है, नर्व सप्लाई, वो कौन करता है? मीडियन नर्व करता है। इट्स आल्सो कॉल्ड आई ऑफ द हैंड। इट्स मीडियन नर्व इज आल्सो कॉल्ड आई ऑफ द हैंड एज इट सेंसरी टू द मोस्ट ऑफ द हैंड। When the median nerve is injured above the level of the elbow, as might as in supracondylar fracture of the humerus, the following features are seen. The following features are seen. So क्या होता है जब median nerve injury हो जाए median nerve की elbow के ऊपर? तो ये देखो आप यहाँ पे supracondylar ridge of the humerus जब क्या हो जाता है, जब उसकी fracture हो जाती है, तो उसके बाद क्या होता है, जो median nerve होता है उसको क्या injury हो जाती है, तो उसकी वजह से कौन से इफेक्ट पड़ेंगे? नंबर वन, द फ्लेक्सर पोलिसर लॉन्गस एंड द लेटरल हाफ ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटम प्रोफंडस आर पैरालाइज्ड। तो कौन से? फ्लेक्सर पोलिसर लॉन्गस और लेटरल हाफ जो फ्लेक्सर डिजिटोरियम फंडस का होगा वो पैरालाइज हो जाएगा। और द पेशेंट इज अनेबल टू बेंड द टर्मिनल फेलिंग्स ऑफ द थंब। और जो पेशेंट होगा वो टर्मिनल जो फेलिंग्स होगा उनको क्या करेगा? उनको बेंड नहीं कर सकता, उनको बेंड नहीं करेगा। ठीक है। सो व्हेन द प्रोक्सिमल फेलिंग्स हेल्ड फर्मली बाय द क्लिनिकल टू एलिमिनेट द एक्शन ऑफ द शॉर्ट फ्लेक्सर्स, सिमिलरली द टर्मिनल फेलिंग्स ऑफ द मिडिल फिंगर कैन बी टेस्टेड। And number two, the forearm is kept in a supine position due to the paralysis of the pronator. So, जो forearm होगा वो हमारे supine position में होगा। किसकी चीज की वजह से? Median nerve की injury की वजह से, क्योंकि उसमें क्या होगा, pronator की जो है ना paralysis हो जाएगा। उसके बाद the hand is adducted due to paralysis of the flexor carpi radialis and flexion of at the wrist is weak. So, जो हाथ होगा वो क्या होगा? Adducted होगा। The hand is adducted. Due to the paralysis of the flexor carpi radialis, the hand is adducted due to the paralysis of the flexor carpi radialis and the flexion at the wrist is weak. So hand क्या होगा? वो paralysis होगा flexor carpi radialis की paralysis की वजह से। और उसके अलावा flexion at the wrist is weak, और जो flexion होगी wrist की वो weak हो जाएगी। The flexion at the intraphalangeal joint of the index and middle finger is lost. The flexion at the intraphalangeal joint of the index and middle fingers and the middle fingers, lesser eastern fingers tend to remain straight while taking a fist. This is called as pointing index finger. So आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाला, ये क्या है? Pointing index finger. इसमें जो क्या है हमारा, जो index finger होगा वो pointed होगा। ठीक है। Due to the paralysis of the long flexors of digit, due to the paralysis of the long flexors of the digit, तो क्या होगा? इंडेक्स फिंगर टेंड्स टू रिमेन स्ट्रेट व्हेन अटेम्प्टिंग टू क्लेस्प द हैंड। जब हम हाथ को बंद करेंगे, हाथ को बंद करने की कोशिश करेंगे, तो हमारा जो इंडेक्स फिंगर होगा वो क्या होगा? स्ट्रेट ही रहेगा, रिमेन स्ट्रेट रहेगा। तो ये क्या है, इसको कहते हैं पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर का। दिस इज कॉल्ड पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर एंड इज कॉज्ड ड्यू टू द पैरालिसिस ऑफ द लॉन्ग फ्लेक्सर ऑफ द डिजिट। उसके अलावा ए पार मंकी लाइक थंब डिफॉर्मिटी, ए पार मंकी लाइक थंब डिफॉर्मिटी। तो ये जो है ना, ये नॉर्मल हमारा हैंड है, और ये क्या, ए पार मंकी लाइक डिफॉर्मिटी इज प्रेजेंट टू द पैरालिसिस ऑफ थिनर मसल्स। जो हमारे थिनर मसल्स हैं उनकी पैरालिसिस की वजह से क्या होगा, एप थंब डिफॉर्मिटी होगी। उसके अलावा द एरिया ऑफ सेंसरी लॉस कॉरेस्पॉन्डेंट टू डिस्ट्रीब्यूशन इन द हैंड एंड वेसोमोटर एंड ट्रॉफिक चेंजेस द स्किन ऑन द लेटरल वन थर्ड टू द डिजिट इज वार्म। जो स्किन होगा वो लेटरल वन थर्ड ऑफ द जो होगा हमारे इसमें हैंड में वो वार्म होगा, ड्राई एंड स्केली एंड द नेल्स गेट क्रेक्ड इजिली। और जो नेल्स होंगे वो इजिली क्या हो जाएंगे, क्रेक हो जाएंगे, नेल्स गेट्स क्रेक्ड इजिली। So the carpal tunnel syndrome involvement of the median nerve in carpal tunnel and wrist has become a very common entity. और इसके अलावा तो जो carpal tunnel syndrome होता है वो क्या होता है, जिसमें जो ना increased pressure हो जाता है wrist में,
wrist में on a nerve called as median nerve. So it happens when there is increased pressure within the wrist on a nerve called as median nerve. तो carpal tunnel syndrome में क्या होता है, median nerve की involvement जो है वो common है तो wrist पे, और उसके अलावा carpal tunnel तब होता है जब हमारे median nerve पे compression हो, median nerve पे increased pressure within the wrist on a nerve called as median nerve. This is called carpal tunnel syndrome.